नमस्कार दोस्तों, देसी रसोई में आपका स्वागत है। मैं पार्ट वन लेके आई थी अयोध्या ब्लॉक, आज उसी का है पार्ट टू, हनुमानगढ़ी के दर्शन। तो यहाँ देखिए, जो हमने मूर्ति ली थी इसी दुकान से हमने वो मूर्ति ली थी। यहाँ पर मैं और मेरी मम्मी दोनों मूर्तियाँ देख रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत सारी मूर्तियाँ, यहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं। और जो मूर्ति हमने ली थी वो हम चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से। वो देखिए पापा जी वहीं मूर्ति पसंद कर रहे हैं, जो हमने बजरंगबली की मूर्ति ली थी, जिसकी स्थापना वाला वीडियो आप लोगों ने सभी ने देखा, उसको इतना प्यार दिया है। ये देखिए हम सब लोग मूर्ति की दुकान में अंदर गए हैं। यहाँ पर ये वाली जो बड़े साइज की बजरंगबली जी की मूर्ति है, पापा ने यही पसंद की है। और यहाँ देखिए सब कारीगर कैसे बना रहे हैं मूर्तियाँ। बहुत बड़ी दुकान थी ये आंटी इन मूर्तियों की पॉलिश कर रही हैं, फिनिशिंग दे रही हैं इनको। जब हम लोगों ने मूर्ति ले ली थी तो ये आंटी हम लोगों से कुछ पैसे मांग रही थी, वही पापा उनको दे रहे थे। यहाँ पे देखिए हनुमानगढ़ी की मार्केट लगी हुई है, छोटे छोटे सामान सब मिल रहे हैं, पूजा के बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, कुछ अगर पसंद आ जाएगा तो लेंगे। वैसे हम लोगों ने ज़्यादा ख़रीदारी यहाँ पर की नहीं थी, क्योंकि सब सामान था और धूप भी काफ़ी तेज़ थी उस दिन, तो कुछ मन भी नहीं हुआ लेने के लिए। वो देखिए सामने से हनुमानगढ़ी मंदिर दिख रहा है, ये हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर में आ चुके हैं। हाँ, हम लोग प्रसाद ले रहे हैं दुकान से। अब हम प्रसाद लेने के बाद सीधा मंदिर के अंदर जाएंगे, वहाँ का भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए हम सब लोग प्रसाद ले रहे थे, अब हम लोग मंदिर के लिए चल चुके हैं। यहाँ पर हमने फूल और प्रसाद दोनों लिए हैं। अगर जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। ये देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर के जीने हैं, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देखिए मंदिर कितना सुंदर है, बहुत विशाल मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये हनुमानगढ़ी दर्शन कैसा लगा। तो देखिए हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंच गए हैं। यहाँ अंदर का मैं क्लिप नहीं ले पाई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जो हम लोग प्रसाद के डब्बे लेके गए थे वो भीड़ में डब्बे पचक गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर अभी इस टाइम खाली लग रहा है। वो देखिए भीड़ इतनी ज़बरदस्त अचानक भीड़ हो गई थी कि सांस नहीं ली जा रही थी। ये देखिए मैंने पीछे से वीडियो लिया है, यहाँ पर एक पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी यहाँ पर। और देखिए कितना बारीक काम हुआ है इनके मंदिर में, इतना सुंदर मंदिर है ये, और कितनी सुंदर यहाँ की सजावट है। मन ही नहीं कर रहा था वापस आने के लिए, इतना सुंदर सजावट था, बहुत बढ़िया मंदिर है। अगर आप लोग यूपी से हैं, चाहे जहाँ से भी हैं, एक बार ज़रूर आप अयोध्या आइए। आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं, हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ हर जगह छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, बहुत मन को सुकून मिलता है। ये देखिए डब्बे कैसे पचक गए, इतनी भीड़ थी कि कैसे हम लोग निकल पाए हैं, इसलिए मैंने अंदर का क्लिप नहीं ले पाया है। यहाँ हम लोग वापस जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने चलते समय बजरंगबली से प्रार्थना की है, और ऐसे यहाँ पर दीवार पर हर जगह पर पेंटिंग बनी हुई है देवी देवताओं की। यहाँ पर ये लोग ताशे बजाते हैं, कोई अपनी खुशी से इनको कुछ भी दे दे तो ये ले लेते हैं प्रेम से। और ये देखिए हम लोग हनुमानगढ़ी के बाद हम लोग आए कनक भवन। कनक भवन की तो बात ही निराली है, इतना सुंदर मंदिर है ये, बहुत सुंदर मंदिर है ये। माता कौशल्या जी ने अपनी चारों बहू को मुँह दिखाई में ये महल दिया था, बहुत सुंदर महल है, एक बार आप यहाँ ज़रूर आइए। लेकिन यहाँ जिस टाइम हम लोग आए थे तो हम लोगों को कनक भवन जी के महाराज जी के दर्शन नहीं हुए थे, कनक महाराज जी के हमें दर्शन नहीं हो पाए थे, क्योंकि सो रहे थे भगवान जी। तो फिर हम लोग ऐसे ही निराश होकर वहाँ से लौट गए, और अंदर का क्लिप लेना मना था तो मैंने अंदर का वीडियो नहीं बना पाया है। वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था तो मैंने सोचा रहने दूँ, कहीं कोई बात ना हो जाए, तो हमने अंदर का क्लिप नहीं लिया है, बस ऐसे ही छोटा मोटा क्लिप लिया है। आप थोड़ा सा देखिएगा कि कितना सुंदर ये मंदिर है, एक बार आप ज़रूर आइए, बड़ी मानता है यहाँ की भी, और मन को भी बहुत शांति मिलती है। उस दिन धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी लास्ट में, तो यहाँ पे पैर भी बहुत जल रहे थे। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, ये माता कौशल्या ने अपनी बहू को उपहार में दिया था मुँह दिखाई में ये मंदिर, सॉरी ये महल। यहाँ पर पूरा राम दरबार है, राम जी के चारों भाई हैं, और कहते माता सीता है, पूरा परिवार सहित वो लोग यहाँ पर हैं। लेकिन मैं अंदर की क्लिप नहीं ले पाई थी तो मुझको माफ़ करिएगा, आप लोग ज़रूर एक बार आइए।
देखिए कितना अच्छा मंदिर लग रहा है। यहाँ बच्चे आके तो बहुत खुश हुए थे, बस धूप के कारण थोड़ा सा परेशान हम लोग हो गए थे। ये देखिए कितनी सुंदर सजावट है, कितना साफ़ सुथरा है, कहीं एक दीवार नहीं यहाँ की गंदी थी। यहाँ पर हम लोग एक होटल में आए थे, वहाँ हम लोग खाना खा रहे थे पूरा परिवार सहित, और जब हम लोग मूर्ति लेने आए थे तो फाइनल टच उसको दिया जा रहा था, रंगाई हो रही थी। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।